तो यार क्या गॉड ऑफ थंडर थॉर डीसी की जस्टिस लीग टीम को हरा सकता है। बात करें बैटमैन की तो बैटमैन बस एक नॉर्मल ह्यूमन है जो कि थॉर को कभी नहीं हरा सकता, बट एक प्रिपेयर्ड फाइट में ये बंदा सुपरमैन तक ही फाड़ चुका है। साइबॉर्ग के पास हाफ एंड्रॉइड बॉडी है और आप इसे सस्ता आयरन मैन भी मान सकते हो। और जैसे आयरन मैन कभी थॉर को नहीं हरा सकता, वैसे ही साइबॉर्ग भी नहीं। एक्वामैन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और सुपरमैन के पंचेस भी खा चुका है, और जैसे थॉर के पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर है, वैसे ही एक्वामैन के पास भी द ट्राइडन ऑफ एटलान है। बट हमने देखा है कि स्टीवन वुल्फ ने एक्वामैन को ओवरपावर कर दिया था, जो कि थॉर से बहुत ही ज्यादा वीक है। वंडर वुमन को देख के थॉर का दिल भी बोलेगा यार। बट यार वंडर वुमन भी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये सुपरमैन और डूम्सडे को टक्कर दे पाई थी। बट थॉर की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, उसके पास बेटर वेपन है, बेटर पावर्स है, और वंडर वुमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमीज को वो हरा चुका है। लास्ट में थॉर एंड सुपरमैन की फाइट बहुत ही ज्यादा ओपी होगी, एंड अगर ये दोनों ही अपनी फुल पावर में फाइट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सुपरमैन थॉर को हरा देगा। बाकी आप सब डिसाइड करो।